हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएमसी मशीन में फिक्चर को डायल कैसे करते हैं, 00 कैसे करते हैं बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पप्पी डायल है और ये इसका रुक जा चश्मा। हाँ देखो, इसे हम पप्पी डायल कहते हैं। इस डायल में आप देखो जो एक्यूरेसी है यहाँ पे आपको दिख रही होगी 0.01, माने ये 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी है। पप्पी डायल का ये फायदा होता है कि आप इसको किधर भी मूवमेंट कर लो, जो नीडल है ना, देखो आप इसको ऊपर करेंगे तो भी ये काम करेगा, इधर करेंगे तो भी काम करेगा, इधर करेंगे तो भी काम करेगा और इधर करेंगे तो भी काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये किधर भी मूवमेंट कराओगे तो ये फंक्शन करता है। तो ये पप्पी डायल को जब हम पिक्चर को डायल करेंगे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने दूसरा पप्पी डायल लगा लिया है, देखो पप्पी डायल लगा हुआ है। अब इसमें हम कैसे सेटिंग करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पिक्चर है, देखो ये पिक्चर प्लेट है ना, इस प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, डायलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर देखो यहाँ पे जो पप्पी डायल है, इस पप्पी डायल को घुमा के जैसे मान लो हमें जितने का प्रेशर देना है तो पहले हमें प्रेशर देना होगा। तो प्रेशर हम जनरली 0.2 का प्रेशर हम इस पर देंगे, 0.2 का प्रेशर देके फिर हम इसको 0.0 करेंगे। तो यहाँ पे 0.0 लाइट दिखाओ, मुझे कम दिख रहा है, देखो ये 0 है। अब इस 0 को 0 पर डायल को रख के फिर हम 0.1, जैसे ये 10 है ना, यहाँ पे 0.1 हो गया और जो 20 है यहाँ 0.2 है, तो हम यहाँ पे 0.2 का प्रेशर क्रिएट करके रखेंगे, ये 0.2 का। ठीक है, वो डायल में हम यहाँ पे देखो हमने 0.2 पे किया, देखना 0.2 पे है ना, देखो जरा लाइट दिखाओ, हाँ जी दिख रहा है क्लियर। ठीक है, अब इसको हम आगे डायलिंग के लिए मैं रख देता हूँ और उससे हम काम कर। ओके, अब इसको यहाँ पे लेके, अब यहाँ प्लेट पे जो फिक्चर प्लेट है इस प्लेट पे मैं टच कराऊंगा। अब इसमें धीरे धीरे मैं वाई में लाऊंगा प्लस की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे वाई में लाना है प्लस में, तो मैं वाई में इसको क्या करूंगा प्लस में लाऊंगा। तो देखना बेटा, बस अब स्टूडेंटों को दिखा सगन ने जितने प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सॉरी हाँ और क्या, वाई में प्लस अपना यही तो बात है। अब ये उधर देखो, उधर टच होगा, वहीं पे ले जाओ, डायल पे ले जाओ, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। देखो हमारा क्या है कि अभी जो ऐसे मैं पीछे करता हूँ, देखो ये हमारा 0.2 पे हमने सेट कर दिया, 0.2 पे सेट है। अब मैं इसको आगे लाऊंगा और मैं इसको 0 करूंगा, तो 0 करूंगा तो इस पे जो प्रेशर रहेगा वो 0.2 का रहेगा, 200 माइक्रो। ठीक है, तो मैं इसको प्लस में करता हूँ और जब 0 आ जाए तो बताना मुझे। ठीक है, आ रहा है, आ गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, 2% बच रहे, 4%। अब देखो अभी 0 पे आया, ठीक है, हमने ये 0 कर लिया। अब ये प्रेशर हमारा हो गया, अब ये जो प्रेशर हमारा हुआ, ठीक है, अब हम इसको मूवमेंट करा के करेंगे। तो करो कोई मूवमेंट करा के, आप करो जरा एक बार, मैं ही कर, मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब मैं किधर कर, अब किधर करूं इसको, हम देखो एक्स में चलाएंगे। अब प्रेशर हमने दे दिया वाई में, इधर जरूरत नहीं है, जो असली है वो है जी। तो हाँ जी, अब मैं एक्स में चलाऊं, एक्स में माइनस कर रहा हूं, देखो प्लेट को मैं एक्स में घुमाऊंगा माइनस में, तो इसमें वेरिएशन देखेंगे हम कितना है। जा रहा है ना, क्या बात, चलन लू, कोई दिक्कत नहीं। कितना जा रहा है ये, हाँ अब इसको थोड़ा सा हम सेट, देखो अभी टोटल हमारा जो, रुक जाओ एक पहले समझ ले दो, पहले समझने दो ना, ठोक बाद में देना, ठोकने का काम तो बाद का है। देखो टोटल हमने देख लिया, हमारा पूरे थ्रू आउट मूवमेंट में एक्स में जब हमने मूवमेंट कराया है तो टोटल कितना आ रहा है,
0.2 का ही है। yes, हाँ, अब इसमें क्या है कि हमें ये 0-0 करना है, तो 0-0 करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको बोलो, अब मैं वापस लेता हूँ एक बार, देखो फिर मैं दिखाता हूँ घुमा के, है ना। अब देखो यहाँ पे देखना सुई कितनी रूट कर रही है, कहाँ से चेंज आ रहा है इसमें, यहां तक छे में देखो, यहां पे ये चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो चेंज आ रहा है ये प्लेट क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी है, है ना। तो इसको सीधा करने के लिए अब देखो, और मैं करूंगा तो हाँ, अब देखो कर यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 0 पे। yes. तो ये जो मूवमेंट है यहां पे 0 है, उधर जाते हैं तो हमारी सुई क्या हो जाती है, तो अब हमें थोड़ा सा जो टोटल, अब हम देखेंगे टोटल कितना है, टोटल इसमें 0.2 है ना, 0.2 का आ रहा है, तो टोटल जो आ रहा है इसका आधा आधा करेंगे, तो आधा करने से हमारा पूरा मेंटेन हो जाएगा, 100 माइक्रोन कर देंगे तो 100 माइक्रोन से हमारा मेंटेन हो जाएगा। अब थोड़ा सा करो, हाँ हाँ, अब ये सेट कर रहे हैं हम, देखो हम, देखो मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, मतलब माइनस में करा हूँ। यस सर। हाँ ले लो, ले लो। और लो, अब यहाँ पे हम इसको करेंगे, कराओ थोड़ा और लूज करके, थोड़ा सा बोर्ड लूज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो हमारा मेंटेन हो जाएगा। सर वहाँ खोलो, हल्का खोलो भैया इसको, क्या बात, थोड़ा सा हाँ। पहले हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करते क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये सुई देखो निडल पे रखो, निडल पे, है ना, निडल को ध्यान रखना है, निडल पे, निडल पे फोकस करो, ठोको और ठोको, अभी नहीं आया, और मैं घुमा रहा हूँ, चला रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टाइट कर, ठीक है, चलाऊ थोड़ा, करो एडजस्ट, और लाऊं माइनस में इधर ले, हाँ बस 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 बस, अब मैं वापस करूं, और जाएगा हाँ, थोड़ा सा और करो, मूवमेंट कराऊं, कराऊं इधर तो टाइट है, और सभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेंगे एक एक करके, सब करोगे कि नहीं बताओ। हाँ सर। हाँ थोड़ा तो पीछे जाएंगे, रुक जाइए सर, ओ अब मैं अपोजिट करूं, हाँ प्लस मैं लूं, धीरे धीरे एडजस्ट करके इसको अब हम कर रहे हैं इसको 0, ठीक है, अब मैं लू ज्यादा, जो बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन्हें दिखाओ एक बार, नजर मराओ बच्चों को, स्टूडेंट इधर देखो, किधर देख रहे हो तुम, प्रैक्टिकल यहाँ चल रहा है, तुम्हारी नजर किधर है,
बैक करो। ढीला कर गया, टाइट है ये। अब जो टोटल डिफ्लेक्शन है हमारा, ठीक है, मैं बैक करूं। अभी सेट नहीं हुआ लेकिन जीरो। अरे कितने में आ गया टोटल? बाहर आ गया, थोड़ा अंदर लाइए सर, माइनस में। बस रुक जाइए सर, प्लस में अब आ जाएगा। बस सर रुकिए, वहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, इतने पहले चलाओ। और चलाओ नहीं, वापस ले लो, इधर लूँ वापस, प्लस में। बस बस माइनस, माइनस में लूँ बस। इसको थोड़ा नीचे उतार लूँ, और जेड में उतार लो। हाँ जेड में नीचे उतार लेता हूँ, हो सकता है पॉइंट पर हल्का सा पिक्चर में वो हो। हाँ पिक्चर में ही लग रहा है कुछ है, इतना दूर डर लग रहा है मुझे, पिक्चर में कुछ डेंट हल्का सा कुछ हो सकता है। अब मैं यहाँ पे ले लूँ और उतारूँ, और बहुत है, बहुत है, अब मैं ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है ना, ज्यादा नहीं आ रहा, बताना कहाँ तक लेना है, जो दिख नहीं रहा। बस रुक जाइए सर, माइनस में जाइए सर। बता रहे ना, मुझे दिख नहीं रहा। बस ठीक है, अब सही है, वही था ना वो पॉइंट पे ना, हल्का सा वो था, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब मैं लू, हाँ अब करूं, बस बस ठीक है, अब मैं प्लस में ले लेता हूँ। बस ठीक है, हो गया। अब ये हमारी एक एक्सिस जीरो जीरो हो गई हम एक्स में, ठीक है ना। अब हम इसको एक्सिस को जीरो करके अब यहीं पे हम इसको टाइट करेंगे, ठीक है, बाकी करो। आया स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल देखा पिक्चर डायलिंग का, है ना, तो हम पप्पी डायल से करेंगे, प्लंजर डायल का यूज नहीं करेंगे, ध्यान करना है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारे सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के साथ फुल फ्लैश, एकदम खुल के खुली छूट, 4,000 रुपए फीस है दोनों की। प्रैक्टिकल खूब करो जितना हो सके, ठीक है, और रहने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं है। अब कितने पैसा खर्च हो रहे हैं आपके? 4,000 रुपए। बोलो 1,000 रुपए डेल कैम आज पर, देखो डेल कैम का देखो चल रहा है, देख रहे हो, इधर दिखाओ डेल कैम, ये क्लास चल रही है, बिक रही है, ठीक है। डेल कैम का ऑटो गाइड मिला के 1,000 रुपए और देना होगा, और इंडस्ट्रियल ड्रॉइंग और ये कई चीजें और मिलाओगे तो 1,000 रुपए देते, तो 5-6 हजार रुपए दोगे तो एकदम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपकी तबीयत खुश है एकदम बढ़िया, फ्री है, और रहने के लिए व्यवस्था है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहाने के लिए गीजर,
गर्म पानी चाहिए ना सर्दियों में, नहीं तो ठंड लग जाएगी बच्चों को, क्यों मानते हो नहीं मानते हो? तो इसीलिए सब व्यवस्था करके रखी है। साथ में हमारे पीएलसी प्रोग्रामिंग के कोर्स हैं, पीएलसी के 8000 समथिंग कॉस्ट है, डिस्काउंट चल रहा है और बहुत कम कॉस्ट है इसमें, बहुत बहुत ज्यादा मेटीरियल है। 5 पीएलसी है, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एनन बिरली, और इसमें HMI है, स्काडा है, और आपका CNC मशीन मेंटेनेंस भी है, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। लैडर डिजाइनिंग और सब कुछ, CNC का लैडर डिजाइन करना और सब कुछ, बहुत काफी कोर्सेस आते हैं ना। ये हमारी PLC लैब है जिसमें देखो यहाँ पे रिले लॉजिक कंट्रोल है, RLC सर्किट है, ये मल्टीमीटर है, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। इसके साथ साथ ये सीमेंस है, सीमेंस की PLC है, ये हमारी Mitsubishi की है, ये देखो लैडर पे काम चल रहा है, सीमेंस पे दिख रहा है ना, ये सीमेंस की PLC है, ये डेल्टा है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक है, ये फिर एलन बिल्डिंग की PLC है, देखो नजदीक से एलन बिल्डिंग, ठीक है ना, और ये ओमरॉन, ठीक है, और ये यहाँ पे वायरिंग करते हैं उनके लिए, तब बना रखे हैं इधर आ, ये हाइड्रोलिक का मेन पावर स्टेशन है पूरा मशीन के साथ, ये HMI है, और ये हमारा स्टूडेंट है अपनी स्टडी कर रहे हैं, इधर देखो ये, ठीक है, ये सर्वो, सर्वो दिखा दो, सर्वो मोटर, ये सर्वो मोटर देखो, सर्वो मोटर है ये, उधर सर्वो मोटर है, ठीक है, स्टेपर मोटर भी, AC मोटर, सर्वो मोटर, सर्वो ड्राइव, ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर, ये एनकोडर, कहाँ गया एनकोडर, एनकोडर तो उधर है ना, और ये हमारी HMI, और ये हमारा एपेक्स 5UC Mitsubishi PLC, ये BFD है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जितना भी हमारा सिस्टम है, ये सब हमारा इधर भी, ये हमारा पैनल है, जैसे पैनलों में बनती है हमारे पास, पैनलों में स्टूडेंट स्टडी करते हैं, जैसे ये पैनल है, इसमें वायरिंग होगी, वायरिंग करके देखो यहाँ PLC लगाएंगे, देख रहे हो SMPS लगा है, PLC है, अब इसकी पूरी वायरिंग वगैरह करके प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट, तो पैनल में प्रैक्टिकल करते हैं अपना स्टडी करने के लिए, ठीक है। ये सर्वो, ये हमारी स्टार डेल्टा मोटर है ना, ये वाले, ये स्टार डेल्टा मोटर है, ठीक है, और ये BFD, ठीक है, और मैं अब आपको CNC मशीन और दिखाता हूँ, ठीक है, चलें। हेलो फ्रेंड, ये हमारी CNC मशीन है, जैसे मैंने बताया था फानुक का सिस्टम है, YMATTC, दोनों मशीनों के प्रैक्टिकल सुबह 8 बजे शुरू हो जाते हैं, आधे बच्चे CNC पे, आधे बच्चे BMC पे, पैरेलली दोनों का चलता है, और हमारे यहाँ से जो बच्चे, मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट बढ़िया निकल के जाए, जिसको CNC की भी नॉलेज हो, BMC की भी नॉलेज हो, डेल कैम की भी नॉलेज हो, ऑटोकैड की, इंडस्ट्रियल ड्राइंग की, हर तरह से क्लियर हो, जिससे अच्छे पैसे वो ले सके। थैंक यू वेरी मच।